ग्राम पंचायत मधुपुर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत उत्तर और मध्य अंडमान के डिगलीपुर ब्लॉक में स्थित है। गांव में स्वच्छ और साफ जल मुहैया करवाने के लिए आरओ प्लांट लगवाए गए। मधुपुर पंचायत में बहुत बड़ा स्वच्छता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। हमें स्वच्छ निर्मल पानी उपलब्ध कराया है। हमारा गांव स्वच्छता के मामले में बेमिसाल है। स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण में यहां व्यक्तिगत और घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में गांव में जगह जगह कूड़ेदान लगवाए गए और प्रत्येक परिवार को कूड़े कचरे के लिए कूड़ादान दिया गया। घरों एवं दुकानों से निकलने वाले सूखे और गीले कचरे का निपटान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर मधुपुर में किया जाता है। सूखे और गीले कचरों को घरों से अलग अलग करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाई गई। ठोस कचरे का प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर में किया जाता है। सेग्रीगेटेड और बेल्ड कचरे को आगे की प्रक्रिया के लिए डेजिग्नेटेड एजेंसी को दिया जाता है। जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के मनरेगा स्कीम द्वारा कम्युनिटी वेजिटेबल गार्डन का निर्माण किया गया, जहां जैविक विधि से सब्जियां उगाई जाती हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत मधुपुर ने अपने संकल्प स्वच्छ ग्राम और हरित ग्राम के सपने को पूरा किया है। नमस्कार, मेरा नाम श्यामल देवनाथ, मधुपुर ग्राम पंचायत प्रधान। स्वच्छ भारत मिशन के लिए हमारा जो सबका घर में जो डस्टबिन देना था और डस्टबिन से कलेक्ट करना था, वो हमारा पंचायत बराबर सब कंप्लीट कर दिया। इंडिविजुअल जो टॉयलेट है, वो टॉयलेट भी जितना भी था बाकी था, वो सारी सब हमारा पंचायत में कंप्लीट हो गया। सॉकपिट कम्युनिटी जितना भी पर्पस जो बिल्डिंग्स है, उसमें सॉकपिट भी हमारा बन गया। इसका साथ हमारा जितना भी कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए था हमारा पंचायत में, सभी क्लियर हो गया। इसका बाद हमारा जल जीवन जो स्कीम हमारा जो प्रधानमंत्री रखा था, उसमें सारा हाउस होल्डर को नल और पानी का व्यवस्था करना था, सभी कंप्लीट हो गया। इसका साथ आपका हमारा विलेज में 4 आरओ प्लांट है, आरओ प्लांट भी आपका कंप्लीट हो गया। ग्रीन विलेज के लिए हम लोग हर सीजन में 500 करके चारा फ्रूट जो चारा होता है फ्रूट पेड़, वो पेड़ सभी जगह हमारा जो ग्रीन एंड क्लीन विलेज और भी एक साल पहले कंप्लीट हो गया। हमारा अंडमान का लेफ्टिनेंट गवर्नर LG साहब हमारा मधुपुर पंचायत को अवार्ड भी इसी वजह से दिया है। सबको नमस्कार।